गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो आज हम जो ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है केस, यानी के कार, द नाउन केस। संज्ञा का ही एक पार्ट है केस, कारक। कारक किसे कहते हैं, सबसे पहले सीख लेते हैं हम इसकी परिभाषा। तो आप कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट डाउन कीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, तो क्या है, द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम, विच टेल्स देयर रिलेशंस, जो उनके संबंध बताता है विद अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के साथ, इन अ सेंटेंस कॉल्ड अ केस। अर्थात वह जो संज्ञा और सर्वनाम वाक्य के अंदर कोई शब्द के साथ संबंध बताता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो कारक है वो चार प्रकार से है। कितने प्रकार के हैं, फोर टाइप्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ केस। सबसे पहला जो वो है नोमिनेटिव केस। कौन सा है, नोमिनेटिव केस। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक, यानी कि जब नाउन और प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है, कर्ता के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नोमिनेटिव केस, यानी कि कर्ता कारक। दूसरे नंबर पर है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि जब नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तब हम उसे कर्म कारक या ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारा पोजेसिव केस, संबंध कारक, यानी कि जब कर्ता का किसी के साथ अन्य के साथ संबंध बताया जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, पोजेसिव केस, कि यह चीज मेरी है, यह चीज तुम्हारी है। जब उसका संज्ञा और सर्वनाम का किसी दूसरे शब्दों के साथ उस पर अधिकार या संबंध जताया जाता है उसे हम पोजेसिव केस कहते हैं। और अंत में है वोकेटिव केस, मतलब संबोधन, जैसे कम हेयर, गो देयर, इनके संबोधन, इस प्रकार का हम जो करते हैं कौन सा कहलाता है, वोकेटिव केस। इसके बाद हम इनको डिटेल में, चारों को हम डिटेल में एक एक करके करते हैं, कर लेते हैं नॉमिनेटिव केस, यानी के कर्ता कारक। जब वाक्य में नाउन या प्रोनाउन, यानी के संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है, यानी के काम को जो करने वाला है वो या तो आपका नाउन हो सकता है या आपका प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, तो वो उसको अगर हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं तब हमारा कहलाता है वो नॉमिनेटिव केस, यानी के कर्ता कारक। एग्जांपल देख लेते हैं, आई सेड टू मनोज। दूसरा एग्जांपल है मनोज सेड टू मी। अब यहां पर हम देखते हैं जो आई है, आई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सेड टू ये वर्ब है और मनोज क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। इस वाक्य में अगर देखें मनोज सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब हो गई और मी क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन है और यहां पर जो सब्जेक्ट है वो नाउन है। किसी का भी नाम वो नाउन कहलाता है, हमने ये पार्ट में बता चुके हैं, संज्ञा का हमने पूरा पार्ट किया है, और आई क्या है, अपना प्रोनाउन है। तो अगर हम देखें ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हो गया और ये नॉमिनेटिव केस का नाउन हो गया। तो जिस भी हम शब्द को इनके वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तब वो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाता है। दूसरा जो है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव केस। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, यानी के कर्म कारक। जब हम वाक्य में नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म के रूप में करते हैं, जैसे हमने वाक्य लिया था यहां पर ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब थी, ये ऑब्जेक्ट था और ये भी क्या, अपना ऑब्जेक्ट है। तो यही उदाहरण हम ले लेते हैं फिर से, इसमें समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। आई सेड टू मनोज और मनोज सेड टू मी,
सेम सेंटेंस है, इसी में समझते हैं हमने सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस कर लिया है, इसको हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस इसी एग्जांपल में से। कैसे? आई सेड टू मनोज, मनोज क्या है यहां पर? ऑब्जेक्ट है और नाउन है, नाम है ना किसी का, तो यहां पर जो इस सेंटेंस के अंदर मनोज क्या है अपना ऑब्जेक्ट और एक नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। और मनोज सेड टू मी, यहां पर मी क्या है? मी ऑब्जेक्ट है और ये मी क्या है? प्रोनाउन है। अब हम यहां पर अगर देखें कि ये नियम हमारा कंप्लीट हो गया कि नाउन और प्रोनाउन का जो प्रयोग है वो कर्म के रूप में यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है। तो यहां पर हुआ है आई इसमें सब्जेक्ट है और यहां पर मनोज इसमें यहां सब्जेक्ट है, और जो यहां पर जो वाक्य के अंत में आया आई सेड टू मनोज, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि जो हमारा नाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकता है। पहला नियम हमारा कंप्लीट। दूसरा कि इसका प्रयोग हम प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं। कैसे? मनोज यहां पर सब्जेक्ट बना दिया, सेड टू यहां पर वर्ब हो गई और मी क्या है अपना ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर आप इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखें कि जब किसी नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे नहीं हुआ? देखो यहां पर मनोज है ऑब्जेक्ट है और यहां पर मनोज सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट का हमने अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसमें कोई परिवर्तन आया नहीं, क्योंकि नाम है सेम रहेगा। अगर हम वाक्य को देख लेते हैं आई को, इस सेंटेंस में आई को देखो, आई क्या है अपना सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है और ये क्या है प्रोनाउन है। जब हमने इसका यहां पर परिवर्तन किया यानी कि आई सेड टू मनोज और मनोज सेड टू आई नहीं करेंगे, मनोज सेड टू मी, तो आई का हमने क्या चेंज कर दिया यहां पर मी। तो जब यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी प्रोनाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव के रूप में जब हम करते हैं तो उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहां पर परिवर्तन हो रहा है, मी का आई हो रहा है और आई का मी हो रहा है, तो इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। और जो नॉमिनेटिव केस में उसमें हम सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसके बाद हम करते हैं थर्ड नियम और फोर्थ नियम। इसके बाद है हमारा तीसरा जो इसका पार्ट है पजेसिव केस यानी के संबंध कारक। संबंध में हम किसी चीज के ऊपर अपना संबंध बताते हैं, अपना अधिकार बताते हैं, उसको आपस में रिलेट करते हैं कि यह मेरी है, यह आपकी है, यह उसकी है, इस प्रकार से। यानी के जब किसी नाउन या प्रोनाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ निकट में या अधिकार में का संबंध बताया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उस नाउन या प्रोनाउन को हम पजेसिव केस यानी कि संबंध कारक कहते हैं। क्लियर इतना? ओके, जैसे हमें एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा माय डॉग कि यह मेरा डॉग है, तो मैंने अधिकार दिखा दिया मैंने इसके ऊपर कि मेरा है। तो जैसे दूसरा सेंटेंस है सीताज सिस्टर, सीता की बहन। ठीक है, इस प्रकार हमने कि वह सीता की बहन उसका संबंध उससे बता दिया। यहां पर जैसे मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया है, इसके ऊपर हम अपोस्ट्रोफी एस के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाएंगे स्पेशल, जिसके अंदर कम से कम भी 14 से 15 उसके रूल होते हैं कि अपोस्ट्रोफी एस का जो हम यूज कहां करते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो आप कल या परसों उसको आपको मिल जाएगी, तो उसको भी जरूर देखिएगा। उसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो नोट कर लीजिए आप, जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है तब उस प्रोनाउन को पजेसिव केस के रूप में ही करते हैं हम, लेकिन जब किसी नाउन का प्रयोग पजेसिव केस में करना होता है तब उस नाउन के साथ क्या रहते हैं, या तो ऑफ का प्रयोग करते हैं ओएफ ऑफ या अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, जैसा हमने यहां सीता के ऊपर जैसे सीता उसके नाम के पीछे क्या लगाया है कोमा लगा के एस, यानी कि सीता की किसी के नाम के साथ जैसे हम लगाते हैं जैसे राम्स राम की या राम का या राम के, इस प्रकार से का के और की का जो उच्चारण हुआ है अपोस्ट्रोफी एस का निकलता है। और इसी प्रकार ऑफ का प्रयोग करते हैं जैसे द
वाटर ऑफ गंगा, गंगा का पानी, ठीक है। द सोयल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी। तो इस प्रकार हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम आपको ऑफ का और अपोस्ट्रोफी जो एस का उसका अलग अलग नेम, कहां कहां पर इनका प्रयोग कैसे कैसे करते हैं वो डिटेल में बताएंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट इसका बचता है, लास्ट जो पार्ट है वो है वोकेटिव केस यानी के संबोधन कारक। जब हम किसी को संबोधित करते हैं उस प्रकार जो नाउन या प्रोनाउन है उसके लिए हम क्या क्या बोलते हैं उसको, संबोधन कारक यानी के पजेसिव केस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, राम कम हियर, राम यहां आओ, सीता गो देयर वहां जाओ। तो इस प्रकार जो हम संबोधन करते हैं किसी को, राम को किया है संबोधन या सीता को किया है या श्याम को किया है, कम हियर राधा गो देयर सीता, इस प्रकार जो हम किसी को संबोधन करते हैं वो हमारा वोकेटिव केस कहलाता है। तो जो ये हमारा आज का वीडियो था कारक के ऊपर, केस के ऊपर, वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप के नंबर आपको शुरू में दिया जाता है उसके ऊपर आप कॉल करें, मैसेज करें, 24 घंटे वाला नंबर आपका अवेलेबल मिलेगा, आप किसी भी समय कुछ भी उससे पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम अगला नया टॉपिक लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।